नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी निर्जला एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि के विषय में। दोस्तों, निर्जला एकादशी जो कि साल की सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है, और इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को पूरे 24 एकादशी का व्रत करने का फल प्राप्त हो जाता है। आइए इसकी सरल पूजा विधि जान लेते हैं। भगवान विष्णु जी के समक्ष उनके चरणों में कौन कौन सी वस्तुएं हमें अर्पित करनी चाहिए, किस वस्तु का भोग हमें नहीं लगाना चाहिए, कौन सी वस्तु का भोग लगाना बहुत ही उत्तम बहुत ही शुभ होता है, किस विधि से हम पूजा अर्चन करें, सारी बातें आइए समझ लेते हैं, जान लेते हैं। और आप सभी लोगों को सबसे पहले निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। छोटा सा निवेदन है, चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा अच्छा लगे तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, एकादशी 17 तारीख को भी है और 18 तारीख को भी है। जो भी भाई बहन 18 तारीख को व्रत रखेंगे वो 17 तारीख को यानी आज सोमवार के दिन एकादशी के नियमों का पालन करेंगे या फिर दशमी के नियमों का पालन करेंगे, दोनों बात एक ही है। क्योंकि यदि हमें कल व्रत रखना है तो आज दशमी के नियमों का पालन करना है और एकादशी भी आज ही है, तो कुछ और अधिक नियमों का पालन करना पड़ेगा। जैसे कि आज तुलसी जी के पत्ते जो है, तुलसी पत्र हमें नहीं तोड़ना है, और मेरे सभी भाई बहन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ कर रख लिए होंगे क्योंकि मैंने पहले वीडियो में ये बताया है। बाल नहीं धोना है एकादशी पर, आप सभी लोग जानते हैं। रविवार को माताएं बहनें बाल भी धुल चुकी होंगी क्योंकि सभी माताएं बहनें इस बात को जानती हैं। चलिए पूजा विधि के विषय में जान लेते हैं। देखिए, एकादशी की जो पूजा है, चाहे वो निर्जला एकादशी हो चाहे वो प्रत्येक माह की एकादशी हो, हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हम अलग से चौकी स्थापित करके पूजा करते हैं, और फिर हम चाहें तो अपने घर के मंदिर में जैसे हम प्रतिदिन पूजा करते हैं वहां पर भगवान विष्णु जी भगवान श्री कृष्ण जी की चित्र मूर्ति प्रतिमा जो भी आपके पास है स्थापित होती है वहां भी हम पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन आप अलग से चौकी स्थापित करें तो ये बहुत अच्छी बात है। चौकी पर पीला वस्त्र आप बिछाएं, सबसे पहले उस स्थान को आप गंगा जल से पवित्र कर ले। उसके बाद जो भी चित्र जो भी प्रतिमा आपके पास है, भगवान विष्णु जी भगवान श्री कृष्ण जी लड्डू गोपाल जी भगवान शालिग्राम जी, आप वहां पर स्थापित कर दें। निर्जला एकादशी की बात करूं तो इस दिन आप भगवान की पूजा में एक मिट्टी के नए पात्र में जल स्वच्छ जल भरकर भगवान विष्णु जी के समक्ष अवश्य रखें। उस जल के ऊपर आप सबसे पहले किसी पात्र में तिल इत्यादि जैसे अनाज चावल का प्रयोग तो हमें करना नहीं है एकादशी पर, तो आप तिल रख सकते हैं, उसके ऊपर आप कोई ऋतु फल रख सकते हैं। दीपक आप अलग से प्रज्वलित कर सकते हैं। जैसे कलश की स्थापना हमें नहीं करनी है, मटके में जल भरकर रखना है क्योंकि ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी है। मिट्टी के पात्र में जल भरकर रखना बहुत ही शुभ माना जाता है और इसका दान करना बहुत ही पुण्यदायी कार्य माना जाता है, तो आप लोग रख लीजिएगा। उसके ऊपर कोई भी ऋतु फल जैसे तरबूज आम इत्यादि आप लोग रख लीजिएगा। दीपक आसन देकर अलग से प्रज्वलित कर लीजिएगा। उसके बाद भगवान विष्णु जी को इस दिन आप पीला वस्त्र जनेऊ पीला चंदन पीला पुष्प इत्यादि अवश्य अर्पित कीजिएगा। भगवान विष्णु जी की पूजा में तिल का प्रयोग होता है अक्षत के रूप में, चावल का प्रयोग आपको नहीं करना है। धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले भगवान गणेश जी की वंदना करने के साथ पूजा की शुरुआत की जाती है। भगवान गणेश जी की वंदना कीजिएगा, साथ में माता लक्ष्मी जी की पूजा जरूर कीजिएगा क्योंकि श्री हरि नारायण जी की पूजा अकेले कभी नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी जी का ध्यान करके उनकी पूजा अर्चना जरूर कीजिएगा। भगवान विष्णु जी को जहां तक भोग लगाने की बात है, ऋतु फल का भोग तो आपको लगाना ही लगाना है, साथ में यदि आप किसी फलाहार का भोग लगाते हैं जैसे कि किसी मिष्ठान का भोग लगाते हैं, तो यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि मिष्ठान कई प्रकार के होते हैं। कुछ मिष्ठान ऐसे होते हैं जो केवल दूध से बने होते हैं, दूध की बनी जो मिठाई होती है जिसमें कि अनाज का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है, तो आप ऐसी मिठाई का भोग लगाएं। और कुछ मिठाई ऐसी होती है जैसे कि बेसन के लड्डू इत्यादि हैं, मोतीचूर के लड्डू हैं, ये सब अनाज इसमें पड़े होते हैं, अनाज से बने होते हैं, तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखें कि आप मिष्ठान यदि भगवान विष्णु जी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, नैवेद्य अर्पित कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसी वस्तु ना हो जिसमें अनाज का प्रयोग हो, क्योंकि एकादशी पर हम केवल फलाहार का भोग भगवान विष्णु जी के चरणों में अर्पित करते हैं। दूसरी चीज, तुलसी पत्र हमें अर्पित करना ही करना है,
चाहे आप लड्डू गोपाल जी को स्थापित करें, चाहे आप श्री कृष्ण जी को स्थापित करें, चाहे आप भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित करें, तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु जी भोग प्रसाद स्वीकार नहीं करते हैं। तो तुलसी पत्र आपको भोग प्रसाद में अर्पित करना है। आप जो जल रखते हैं नैवेद्य के साथ, उसमें भी आप तुलसी पत्र जरूर डालें। ये सारे कार्य करने के बाद आप वहां पर बैठकर श्री हरि विष्णु जी के स्तुति करें, उनकी वंदना करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, नारायण कवच का पाठ करें, गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ करें, मधुराष्टकम का पाठ करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र, इस मंत्र का जप करें, या फिर ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, अति सुंदर मंत्र है, इसका जाप करें। तो आप अपनी श्रद्धा समय शक्ति के अनुसार इस तरह से भगवान जी के चरणों में बैठकर जप करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारे सारे दोष, हमारे सारे पाप, हमारे सारे अपराध क्षमा हों, हमारी पूजा स्वीकार करें भगवान जी और हमें अपने चरणों में स्थान दें। तो इस तरह से हम निर्मल भाव से भगवान जी की वंदना करें, उनसे कृपा मांगे, आशीर्वाद मांगे, और हमें क्या चाहिए। ये सारे कार्य करने के बाद आपको आरती करनी चाहिए और कथा का श्रवण करना चाहिए। कोई भी व्रत हो, उसमें जब हम कथा का श्रवण करते हैं तब हमारा व्रत पूर्ण होता है। कथा का श्रवण करने से अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मान लीजिए परिवार में अन्य सदस्य हैं जो लोग व्रत नहीं भी रख रहे हैं, उन्हें भी बैठकर एकादशी के व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आप लोग हाथ में पुष्प लेकर, थोड़ा सा तिल लेकर कथा का श्रवण करें, चाहे आप पुस्तक से पाठ करें, चाहे आप मोबाइल के द्वारा श्रवण करें, या फिर पंडित जी के द्वारा श्रवण करें। इस तरह से श्रवण करने के बाद उस पुष्प को भगवान जी के चरणों में अर्पित कर दें। आरती इत्यादि करने के बाद व्रत निर्जला है। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि यदि आप निर्जला व्रत पूरे 24 घंटे रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पूरे दिन रखकर संध्या के समय जलपान कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप व्रत का संकल्प सुबह जब आप पूजा में बैठें तो सर्वप्रथम उसी प्रकार का संकल्प ले लें। संकल्प वैसा ही लें जैसा निभा पाए, इतना संकल्प न लें कि बीच में आपको उस संकल्प को तोड़ना पड़े या खंडित करना पड़े। ये बात मैंने पहले भी वीडियो में बताई है। तो उसी तरह से आप संकल्प लें, अपने शक्ति सामर्थ्य को देखते हुए, अपनी शारीरिक स्थिति को देखते हुए आप संकल्प लें। एकादशी के व्रत में सुबह का पूजन और संध्या पूजन दोनों ही अनिवार्य होता है, या फिर हम कोई भी व्रत रखते हैं तो हमें विधि विधान से संध्या पूजन करना चाहिए। वैसे प्रतिदिन हम संध्या के समय धूप दीप तो करते ही हैं, लेकिन जब हम कोई व्रत उपवास रखते हैं तो हमें विधि विधान से संध्या पूजन इसी प्रकार करना चाहिए जैसे हम सुबह करते हैं। संध्या के समय हमें फिर से स्नान करना चाहिए, उसके बाद फिर से भगवान जी की जो मूर्ति है उसे साफ करके, चंदन इत्यादि जो आपने लगाया है, फूल इत्यादि जो मुरझा गए हैं आपने चढ़ाया है, उसे हटाकर स्थान को स्वच्छ करके पात्र को फिर से धुल के आप दोबारा से धूप दीप प्रज्वलित करें, भगवान जी के चरणों में भोग प्रसाद अर्पित करें, चंदन पुष्प इत्यादि अर्पित करें, भगवान जी के स्तुति करें, पाठ करें, जो भी आप कर सके। मैंने पाठ के बारे में बता ही दिया है, वो सब कुछ करने के बाद आप फिर से आरती करें। इस तरह से संध्या पूजन हमें अवश्य करना चाहिए। अब व्रत के विषय में मैंने बताया कि जैसा भी आप कर सकें, यदि आप संध्या के समय जलपान करना चाहते हैं तो संध्या पूजन के बाद भगवान जी को जो आपने नैवेद्य अर्पित किया है वहां पर जो जल आपने रखा है उसी जल को उनके चरणों का प्रसाद समझकर आप उसी जल को ग्रहण करके जलपान कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं कि यदि आपके पास भगवान जी की मूर्ति है, चाहे किसी भी स्वरूप की मूर्ति है, किसी भी धातु की मूर्ति है, तो आप इस दिन पंचामृत से स्नान जरूर कराएं और पंचामृत का भोग जरूर लगाएं और उस प्रसाद को आप पूरे परिवार ग्रहण करें। यदि आप निर्जला व्रत हैं तो जब व्रत का पारण आप करें उस समय आप ग्रहण करें। पंचामृत से भगवान जी का अभिषेक करने का विशेष विधान है, इससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमारे कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये कार्य भी आप लोग पूजा में जरूर कर लीजिएगा यदि आपने मूर्ति स्थापित की है। यदि आपके पास चित्र या फोटो प्रतिमा है तो आप भीगे हुए कपड़े से, वस्त्र से आप उसे पोंछ सकते हैं। तो इस तरह से आप विधि विधान से पूजन अर्चन कर लें। अब जो मटके में आपने जल रखा है उसके ऊपर जो आपने ऋतु फल रखा है उसे आप दान कर सकते हैं, और जो आपने भोग प्रसाद के रूप में भगवान के चरणों में अर्पित किया है इसे पूरे परिवार मिलकर ग्रहण कर सकते हैं। तुलसी पत्र जो आपने अर्पित किया है वो पारण के समय आप ग्रहण करके उससे पारण कर सकते हैं। तो इस तरह से बड़े ही आसानी से, सरलता से, कम सामग्री में आप निर्जला एकादशी या फिर किसी भी एकादशी व्रत की पूजा अर्चना
कर सकते हैं। और भी कोई प्रश्न हो, दुविधा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।